झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी शुरुआत गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे से हुई है और इसी वजह से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चर्चा है कि ईडी की अगली कार्रवाई और राजभवन से लिफाफा के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंप सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बीते समय हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 बार समन भेजा है, इसीलिए कल्पना सोरेन को आदिवासी अल्पसंख्यक बहुल अनारक्षित सीट गांडे से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उधर विरोधी दल बीजेपी ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री राज्य के ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार है, उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता की चाबी परिवार के बाहर नहीं जाए, इसीलिए वो पत्नी को ही सीएम बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन कयास यही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी जो कि ओडिशा की रहने वाली है, ऐसी में अनारक्षित सीट से ही लड़ाया जा सकता है। गांडे अनारक्षित सीट है, अल्पसंख्यक और आदिवासी बहुल होने के कारण गठबंधन के लिए गांडे एक सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें सरफराज 2005 में आरजेडी से गांडे सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन झामुमो के सालखन सोरेन से हार गए। 2009 में सरफराज कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीते। 2014 में देश में मोदी की लहर में सरफराज हार गए और बीजेपी के जेपी वर्मा ने जीत दर्ज की। 2019 में ये सीट झामुमो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में चली गई। ये गठबंधन अब भी बरकरार है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक विधायक के इस्तीफे को लेकर कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चा यही है कि नए साल के पहले दिन झारखंड की राजनीति में उथल पुथल का संकेत मिल गया है और सूबे में 5 जनवरी तक बड़े सियासी बदलाव की कयास भी लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।